एक्सेलेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों कहते हैं कि अगर करने की और कुछ पाने की इच्छा हो तो इंसान अपने मुकाम को पा सकता है दृढ़ विश्वास और कड़ी मेहनत से। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अखनूर के राहुल शर्मा ने, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह सिक्योर कर ली। ना केवल राहुल शर्मा ने बल्कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां से दो अन्य प्लेयर का भी सिलेक्शन हुआ है। आइए आपकी प्राउडली मुलाकात करवाते हैं राहुल शर्मा से। राहुल, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसा लगा आपको जब आपको ये खबर मिली कि आपका दिव्यांग इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है? धन्यवाद सर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा चयन दिव्यांग क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया में हो गया है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बोर्ड DCCBI का और अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आगे भेजा। और धन्यवाद देना चाहूँगा अपने कोच साहब श्री शाम सिंह लंगेज जी का और अपनी पूरी JNK टीम का। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, और जिस तरह से आप दिव्यांग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो कितनी डिफ़िकल्टीज जो हैं आपने फेस की इस सीरीज़ में आने के लिए? सर, मेरे पेरेंट्स मेरे पापा एक सब्जी की दुकान करते हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे आगे खेलने के लिए प्रमोट किया, और उन्होंने फाइनेंशली भी मुझे जैसे हुआ बहुत सपोर्ट किया। और डिफ़िकल्टीज तो बहुत आती हैं एक हैंडीकैप के लिए, आपको पता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मतलब एक आम प्लेयर है उसको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी कि एक डिसेबल्ड पर्सन को करनी पड़ती है। निसंदेह अगर आप कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जिस तरह से दिव्यांग कैटेगरीज की बात करें, इस कैटेगरी में जितने भी लोग बिलोंग करते हैं उन्हें अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को बार बार प्रूफ करना पड़ता है और पेरेंट्स की बार बार परीक्षा होती है। और पेरेंट्स का जिस तरह से आपको योगदान मिला उसी का नतीजा है कि आने वाले दिनों में जो सीरीज हमें देखने को मिलेगी उस सीरीज में राहुल शर्मा जो है एज ए विकेट कीपर जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तमिलनाडु में ये सीरीज होने जा रही है और श्रीलंका से आप मुकाबला करेंगे, तो कितनी तैयारियां जो है इस सीरीज को लेकर आप कर रहे हैं? सर, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ अभी, मतलब डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और हमारे अखनूर में इतने ग्राउंड भी नहीं है कि हम इतनी प्रैक्टिस कर सकें, पर फिर भी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं कि मैं अपनी टीम के लिए अच्छा खेल पाऊं और उन्हें जीत दिला पाऊं। क्या डिफ़िकल्टीज जो है आप फेस करते हैं एक लोकल होने के नाते? क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? किस किस चीज़ की कमी जो है आपको नज़र आती है? जी बिल्कुल सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है। जैसे कि हमारे अखनूर में कोई भी ऐसे एक प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं है, नेट्स नहीं है जिसकी मतलब जहाँ हम खेल सकें। और मैं ये कहता हूँ कि मतलब अगर हमारे पास प्रॉपर ग्राउंड्स नहीं होंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो हम कैसे प्लेयर बन पाएंगे? क्या अलग से ग्राउंड्स होनी चाहिए दिव्यांग लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, अलग से दिव्यांग पर्सन्स के लिए अलग ग्राउंड होनी चाहिए कि जहाँ वो अपना खेल सकें और अपनी टीम के लिए आगे बढ़ सकें। मैं रुचि की बात करना चाहूँगा, क्रिकेट में आपको रुचि कब से पड़ी और क्या आप बचपन से ही प्लेयर बनना चाहते थे? जी सर, मैं बचपन से ही मुझे बहुत शौक था प्लेयर बनने का, और मैं ग्राउंड्स में खेलता ही रहता था। मतलब ऐसे घर पे भी हो तो बैट लेके लगा रहना। तो कभी डांट भी पड़ती थी? जी बिल्कुल सर, घर वाले कहते हैं पढ़ाई पर भी ध्यान दिया कर, पर मुझे क्रिकेट से एक इतना प्रेम था कि मैं रह नहीं पाता था उसके बिना। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन की है तो उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं। जी जी, तो इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ रुख रखेंगे या खेलने की तरफ अधिक रुझान होगा? सर, पहले तो मैं खेल की तरफ ही जाना चाहूँगा पहले, और अपने स्टेट के लिए, अपनी इंडियन टीम के लिए मतलब अच्छा करना चाहूँगा उसमें, खेल में। और सरकार से भी यही कहूँगा कि हमें भी थोड़े इंक्रीमेंट दे जॉब्स में भी, और ताकि हम अपने खेल पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे पाएँ और प्रमोट करने के लिए सरकार को जो है कदम उठाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से राहुल शर्मा का इशारा है कि अगर ऐसे कैटेगरी के लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को इनको बढ़ावा देना चाहिए, इनको प्रमोट करना चाहिए और इनको भी जो है सिक्योरिटी जो है वो देनी चाहिए, और हो सके तो जॉब जो है वो भी देनी चाहिए। राहुल, पर्टिकुलर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी हॉबीज़ क्या थी, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने नेशनल में भी जो है कई बार अपना दमखम दिखाया, तो नेशनल का किस तरह का सफ़र रहा आपका? सर, मैंने 2015 में जो JNK दिव्यांग क्रिकेट टीम ज्वाइन की थी, उसके बाद मैं लगातार नेशनल गेम्स खेल रहा हूँ। मतलब ऑल अराउंड इंडिया में मैं बहुत नेशनल 7-8 नेशनल गेम्स खेल चुका हूँ, और वहाँ पर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, और इसी वजह से उन्होंने मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट किया।
जैसे कि इसी सीरीज की अगर बात करें जो आप तमिलनाडु में होने जा रही है, अगर इसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, पर हम तो चाहेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो क्या इसका आउटपुट क्या रहेगा आगे? सर अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो वो मुझे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर मैं और मेहनत करूँगा कि मतलब मैं मतलब अपनी जगह पक्की कर सकूँ। कितनी मेहनत की आवश्यकता है मिस, जिस तरह से डेली आवर्स की बात करें, कितनी मेहनत आप करते हैं और आपको क्या लगता है कि कितनी मेहनत की अति आवश्यकता है? सर डेली एक मतलब प्लेयर को कम से कम भी 4-5 घंटे तो प्रैक्टिस चाहिए, और वो इसलिए संभव हो सकती है अगर हमारे पास प्रॉपर नेट्स हों। अगर हमारे पास नेट्स नहीं होंगे तो हम कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे? जैसे कि आपने नेशनल भी लगाया, तो नेशनल के प्लेयर्स में जब आप अपने आप को देखते हैं, कहाँ अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं? सर हम अपने आप को मतलब ऐसे आम प्लेयर ही स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलता जैसे सरकार से, जैसे मतलब बाकी प्लेयर्स को बस मिलता है, जैसे आम प्लेयर हैं उनको मिल रहा है, वैसे हमें बेनिफिट नहीं मिलता। मैं पर्टिकुलर जैसे दिव्यांग कैटेगरीज के प्लेयर्स हैं उनकी बात करना चाहूँगा। जब आप नेशनल में जाते हैं, आपका मुकाबला इन्हीं दिव्यांग प्लेयर्स के साथ होता है, तो उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो कोचिंग दी जाती है, जो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम लोगों के पास भी वैसा है? सर मुझे नहीं लगता कि मतलब हमारे जो बाकी स्टेट्स हैं उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, मतलब नेट्स मिल रहे हैं, ट्रेनिंग भी मिल रही है, मतलब फाइनेंशली भी वो सपोर्ट करती है उनकी सरकारें, पर जम्मू कश्मीर में मेरे को नहीं लगता कि दिव्यांगों को इतना दिव्यांगों को प्रमोट करना चाहिए। राहुल मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपका बोर्ड है वो फिलहाल प्राइवेट है, क्या BCCI को टेक ओवर नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसा कदम आपको लगता है कि उठाने की आवश्यकता है? जी बिल्कुल, मैं गुजारिश करना चाहूँगा अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो हमारे बोर्ड को DCCBI को अपने अंडर ले, ताकि दिव्यांग प्लेयर और आगे बढ़ सके और बढ़ चढ़ के इस खेल में भाग ले सके। राहुल जिस तरह से आपकी सिलेक्शन हुई है, और अन्य दो प्लेयर्स की बात करें, एक पुलवामा से हैं और एक पुंछ से हैं, उनकी भी सिलेक्शन हुई है, वो पहले भी जो है रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो कैसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के 3 प्लेयर्स की सिलेक्शन हुई है? जी बहुत खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर से हम अपने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और मैं बाकी प्लेयर्स को भी कहना चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी मेहनत करिए कि आप मेहनत करेंगे तो उसका आउटपुट जरूर आएगा। आउटपुट हार्डवर्क इज इम्पोर्टेंट, हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल, हार्डवर्क जो है अगर सक्सेस लेनी है हमें करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए। इस सीरीज को लेकर आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, मतलब वेट नहीं हो रहा है। तो ये सीरीज के बारे में दर्शकों के लिए जानना चाहूंगा कि कब हो रही है? हाँ ये हमारी सीरीज श्रीलंका के साथ है, और 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक है ये चलेगी चेन्नई में। तो तैयारी पूरी हो चुकी है, डट कर मुकाबला करेंगे और कप हम उम्मीद कर सकते हैं लेकर आएंगे। जी बिल्कुल सर। तो राहुल पर्टिकुलर ये भी जानना चाहता हूँ कि फैमिली में आपके कौन कौन है, और किस तरह से जो है आपकी दिनचर्या की शुरुआत होती है, और क्रिकेट को लेकर कितना संघर्ष जो है आपको अभी भी करना पड़ रहा है, और कितना संघर्ष आप करते आए हैं? सर मेरी फैमिली में मेरे पापा मम्मा और एक मेरा बड़ा भाई है, और दिन की शुरुआत क्रिकेट से ही होती है, और मैं फाइनेंशली भी हम मेरे पापा एक सब्जी की दुकान करते हैं, और फाइनेंशली वो सपोर्ट करते हैं, जैसे मर्जी वो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। मतलब अब मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि मुझे मतलब दिव्यांग प्लेयर्स को भी फाइनेंशली भी सपोर्ट करें, और उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपर प्रोवाइड करें। हर तरह की सपोर्ट जो है गवर्नमेंट को देनी चाहिए, और खासकर ऐसे कैटेगरीज के लोग। एक संदेश सोसाइटी के लिए, एक अपील गवर्नमेंट से। और सोसाइटी को मैं ये वो देना चाहूँगा कि हार्डवर्क करें, अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो सक्सेस आपको पक्का मिलेगा, हार्डवर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। और अपील गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हैं, मोदी सरकार से और हमारे LG प्रशासन से? और ये कहना चाहूँगा कि सर हम दिव्यांग प्लेयर्स के लिए कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सपोर्ट और सब कुछ, मतलब जो भी एक दिव्यांग प्लेयर्स के लिए नीड होती है वो उन्हें पूरा करने की कोशिश कर रही है, ये भी अपील है मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपने हमें समय दिया, और गवर्नमेंट से हम भी अपील करना चाहते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो प्लेयर्स हैं, ये स्पेशल बच्चे माने जाते हैं, और इनको स्पेशल केयर और स्पेशल जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, और हम अपील करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि हमारे LG प्रशासन, हमारी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है बिल्कुल जो है तवज्जो देगी ऐसे प्लेयर्स की तरफ जिनको एजुकेशन से भी वंचित रखा जाता है, लेकिन ऐसे बच्चे भी जो है एजुकेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं और कोई ना कोई मुकाम भी हासिल कर रहे हैं, और अब
राहुल जैसे प्लेयर्स जो हैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आपने हमें समय दिया। हम भी गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जो है वो स्पेशल केयर के हकदार हैं। गवर्नमेंट को जो है स्पेशल ध्यान देना चाहिए, स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या फिर फाइनेंशियल हेल्प की बात करें तो गवर्नमेंट को जरूर जो है अपना ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर पेरेंट्स जो है एजुकेशन के लिए जो है वो आगे नहीं करते ऐसे बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में भी आगे आ रहे हैं और अदर एक्टिविटीज में भी आगे आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इनकी ग्रोथ नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं जो है ये डिमोरलाइज भी हो सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे और अपील करेंगे कि माननीय एलजी साहब इस दिशा की ओर जरूर कदम उठाएंगे। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलसियर न्यूज।